पानीपत के शांतिनगर के रहने वाले जसवंत सिंह ने पूरे हरियाणा सिविल सर्विस की परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल किया है। ये मूल रूप से जिले के सींक गांव के रहने वाले हैं। पिता सुरजीत मलिक राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिठाना में हिंदी के प्राध्यापक हैं, जबकि मां कृष्णा देवी गृहिणी हैं। जसवंत का लक्ष्य आईएएस बनना है। उन्हें आईएएस की परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। जसवंत सिंह 23 नवंबर को होने वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की परीक्षा की तैयारी में भी जुटे हैं। जसवंत मलिक को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पिता सुरजीत का मार्गदर्शन और मां कृष्णा देवी की मेहनत रही। हरियाणा सिविल सर्विस का परिणाम बुधवार को जारी किया गया। पानीपत के शांतिनगर के रहने वाले जसवंत ने इस बार के परिणाम में दूसरा रैंक हासिल कर न सिर्फ परिवार का बल्कि इलाके का नाम भी रोशन किया है। रिजल्ट आते ही जसवंत के घर पर बधाई देने वालों की कतार लग गई। पिता सुरजीत मलिक ने बताया कि जसवंत का हरियाणा सिविल सर्विस में ये दूसरा प्रयास है और आईएएस में तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा। क्लास 9वीं क्लास की उसकी नोटबुक हमारे पास है। 9वीं क्लास में जब वो थे 2009 में, तो बहुत बढ़िया जनरल नॉलेज का, मैप्स का, राज्य राजधानियाँ और जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीज़ों को बहुत सहेज कर संभाल कर रखते थे। और उसके बाद 10वीं में उसके बहुत अच्छा A1 ग्रेड में वो सारे हर एक सब्जेक्ट में A1 ग्रेड मिला। और उन्होंने 9वीं 10वीं क्लास में अपना टारगेट बना लिया था कि मैं सिविल सर्विस के लिए जो है कोशिश करूँगा। और 10वीं डॉक्टर MKK स्कूल से की और उसके बाद 11वीं 12वीं के लिए वो DPS वसंत कुंज दिल्ली चले गए। और वहाँ 17 सेक्शन थे। DPS वसंत कुंज में उन्होंने 17 सेक्शनों को टॉप किया और बेस्ट स्टूडेंट थे अपने स्कूल के DPS वसंत कुंज के। और उसके बाद जो है 95% मार्क्स उसके आए। और फिर उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, जो प्रतिष्ठित कॉलेज है दिल्ली का, जिसमें अमिताभ बच्चन और नवीन पटनायक जोड़ी सा के मुख्यमंत्री हैं, और वो उसके विद्यार्थी रहे। उसमें भी कॉलेज के वो बेस्ट स्टूडेंट रहे। और मैथमेटिक्स का उनका इतना चारम था, इतना इंटरेस्ट था, 10वीं से लेकर के BSc मैथमेटिक्स में उन्होंने कभी नंबर नहीं कटने दिए। 100 out of 100 जाते थे उनके। और वहाँ के जितने भी डिबेट सोसाइटियाँ और NCC का भी बेस्ट कैडेट थे वो, और कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट थे। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो उसके बाद वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बम्बई में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और हैदराबाद में कैंपस में भी उन्होंने इंटरव्यू दिया और IIM बेंगलोर, तो उन्होंने फिर पब्लिक पॉलिसी उनका मेन सब्जेक्ट था, तो पब्लिक पॉलिसी को चूज करने के लिए उन्होंने हैदराबाद कैंपस को प्रेफर किया। और 2 साल वहाँ उन्होंने पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, उसमें उन्होंने मास्टर डिग्री करी और गोल्ड मेडल से की। वो मतलब उसी बदौलत से वो आंध्रा गवर्नमेंट की, जो आंध्रा डेवलपिंग सोसाइटी, उसके माध्यम से उनका चयन हो गया। और वो सेंट्रल सेक्रेटरिएट में विजयवाड़ा, जो आंध्रा गवर्नमेंट का था, वहाँ उन्होंने 2 साल काम किया। 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट थिया। और फिर मैंने उसको सिविल सर्विस के लिए कहा, भाई तुम अपना इस नौकरी का आगे मत एक्सटेंड करो और आप जो है पूरा टाइम सिविल सर्विस को दो। और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तरफ ध्यान दिया। वो पहली बार उनका प्री नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर उनका प्री हुआ। उसके बाद वो जो है प्री से मेन में चले गए, मेन से इंटरव्यू में नहीं पहुँचे वो। पिछली बार उन्होंने जो है कोशिश की, भाई मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए कर पाऊँ। IAS की क्वालिफाइंग रैंक थी 117 और IFS की क्वालिफाइंग रैंक थी 145, तो उनके नंबर रहे 143। IAS का तो वो दे सकते थे, चाहते तो एग्ज़ाम, क्योंकि उनकी रैंक 143 थी, लेकिन उन्होंने अपना फोकस किया अपने मैथमेटिक्स को दुरुस्त करने में। और अब की बार हमें बहुत उम्मीद है कि वो सिविल सर्विस में भी अपनी जगह बनाएगा। उसके जो सब्जेक्ट्स में मार्क्स जितने चाहिए मेरिट में, उतने नहीं आ पा रहे थे। अब वो सिविल सर्विस का प्रीव्यू उन्होंने दे दिया है, मेन दे दिया है। अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि नहीं आती है, इस पर डिपेंड करेगा। और एक अभी नवंबर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम उनका ड्यू है,
फिलहाल अब इस इंटरव्यू के बाद वो उसी पे उनका फोकस है और वो अपने जो उनके चांस एक दो चांस जो बचा है उसमें वो सिविल सर्विस के लिए बिल्कुल अपना जी जान लगा करके उसकी जो कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उसकी मेहनत जो रंग लाएगी। और पिछले दो साल से तो वो दिल्ली ही रह रहा है और वो HCS की जो परीक्षा पास की इसको लेकर कितनी खुशी हो रही है बेटे ने नाम रोशन कर दिया जिले के भी नाम रोशन अच्छा रैंक आया उनका। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत अच्छी खुशी है और इंटरव्यू में पूरा हरियाणा में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं उसके इंटरव्यू में उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स लगे हैं और वो मेरिट में उन्होंने दूसरा स्थान बहुत खुशी है और सरकार ने बिल्कुल फेयर सिलेक्शन किया है और जो योग्य प्रतिभाशाली छात्र हैं उनकी प्रतिभा के साथ पूरा न्याय किया है। मेरा भी सपना था और उनका भी सपना था हालांकि वो इतनी मैथमेटिक्स के 0.1% CBSE बोर्ड के स्टूडेंटों में से थे मैट्रिक में भी 100 में से 100 मार्क्स थे और प्लस टू में भी 100 में से 100 मार्क्स थे और BSc में भी ऐसे चलता रहा 100 of 100 जाते रहे। तो उनके जो सर थे वहाँ उन्होंने कहा भाई तेरे को कैम्ब्रिज हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जहाँ वर्ल्ड की जिस भी यूनिवर्सिटी में कहता हो और भाई IIT जहाँ वहाँ से तेरे को MSc मैथमेटिक्स करा देते हैं। उनका नहीं सर मेरे को सिविल सर्विस में जाना है इसलिए जो पब्लिक पॉलिसी है वो सिविल सर्वेंट का ही काम है इसलिए उन्होंने बीए करने के बाद जो है पब्लिक पॉलिसी को जो है चुना। जसवंत के बारे में परिजनों ने बताया कि जसवंत बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार था। माँ कृष्णा मलिक ने बताया कि बेटे का एक सपना पूरा हुआ है वह अपनी मेहनत से IAS भी जरूर बनेगा। बहुत बहुत खुशी हो रही मैं कह नहीं सकती इतनी खुशी हो रही है जाहिर नहीं कर सकती मेरी बेटे ने मेरा हमारा नाम रोशन कराया है बस इतना ही कह सकूँ मैं जी बहुत खुश हो रही बचपन से इंटेलिजेंट थे। हाँ इंटेलिजेंट थे शुरू से पढ़ाई में ऐसे मुनार रही मेरे से। आज सोचा था कभी इतना बड़ा टेस्ट क्लियर करेगा अब उससे भी बड़ी की तैयारी कर रहा है। हाँ एक सरकारी अफसर बनेगा। हाँ जी ये तो है जिसकी कभी न कभी तो उसकी मेहनत रंग लाएगी इतनी मेहनत कर रहा था बच्चा दिन रात पढ़ रहा था तो कभी न कभी तो आएगी। हाँ वहीं जसवंत की माँ बेटे के अफसर बनने पर भावुक हो गई। पानीपत से सुमित भारद्वाज न्यूज 18 हरियाणा।